या आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आवासीय विकास योजना को लेकर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। जनपद रामपुर तहसील मिल्क के ग्राम कीरा में मीडिया से बात करते हुए पीड़ित ने बताया कि सन 2019 में हमने पूर्व प्रधान को आवास विकास योजना के अंतर्गत हमने अपना घर बनवाने के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन पूर्व प्रधान ने हमारी बिल्कुल भी ना सुनी। पीड़ित ने यह भी बताया कि पूर्व प्रधान ने जो अपात्र थे उनसे पैसा खाकर उनको आवास विकास योजना का लाभ दिया, उनका घर बनवा दिया, लेकिन जो पात्र हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर पैसे नहीं हैं, इसलिए पूर्व प्रधान ने उनका घर नहीं बनवाया, योजना का लाभ नहीं दिया। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित ने यह भी बताया कि जो अभी नए प्रधान जी बने हैं उनके घर जाकर मीडिया ने प्रधान से जब बात की तब प्रधान ने यह बताया कि हम गरीब लोगों की पूरी मदद करेंगे, गरीब लोगों का आवास विकास योजना के अंतर्गत घर बनवाएंगे और उनका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन हमने गांव में RCC रोड डाला है, गांव में सैनिटाइज़र करवाया है और गरीब लोगों की हर संभव मदद कराते हैं। हमारे संवाददाता रामनाथ गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या भाई साहब आपका? काशी मलिक। कहाँ पर रहते हैं आप? किरा। किस क्षेत्र में पड़ता है ये किरा? ये तहसील सावा, जिला रामपुर। तो क्या मामला है आपका? मामला सर, आवास के लिए हमने अप्लाई करा था, उसमें मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं। कब अप्लाई करा था आपने? 2019। उस टाइम मौजूदा प्रधान कौन थे? हीरा कली। उनके पास आपने कहा था कि हमारा? जी, मैंने कागज भी दिए थे उन्हें, कई बार बोला भी था उनसे, मगर उन्होंने मतलब कोई सुनवाई नहीं। मेरे बारे में ये कह दिया कि इनकी मतलब बाउंड्री हो गई है और बाउंड्री है, आपका नहीं बन सकता। किसी अधिकारी से आपने संपर्क किया इस बारे में? जी, मैंने नखलाऊ फ़ोन करा था 4-5 बार। किस नंबर पर? 7465-08-5552। अच्छा, तो वहाँ से क्या जवाब आया? मतलब यही मिलता था कि आपके पास गाड़ी है और आपके पास मतलब बाउंड्री हो गई है आपके पास। तो आपने उस समय के मौजूदा प्रधान को दिखाया नहीं था कि मेरे घर पर छत भी नहीं पड़ी हुई है और टीन पड़ी हुई है? सब कुछ दिखाया था। ये नहीं बताया था आपने? सब कुछ बताया था मैंने उसे, मगर उसने। कितना समय हो गया इस बात के लिए? समय 2019 की बात है ये, यानी कि 6 साल हो गए। जी, तो मौजूदा प्रधान कौन है इस समय? इस टाइम परवेश। उनसे आपने संपर्क किया इस बारे में? उन्हें हाँ, एक बार बताया था मैंने। क्या बताया था? कॉलोनी के बारे में। क्या आपकी बन जाएगी, बस यही कह दिया उन्होंने। बस ये कह दिया? आपके परिवार में कौन कौन रहे हैं? हमारे परिवार में बच्चे हैं हमारे 5 और 2 मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं नहीं, यही मजदूरी करना है, खाना है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवेश कुमार है। सर, किस गांव से आप प्रधान बने हैं? सर, मैं सर किरा ग्राम प्रधान हूँ। क्या नाम? प्रधानपति। प्रधानपति जी। नाम क्या है उनका? नीतू। नीतू सर, कितने दिन हुए आपको प्रधान बने हुए? सर, 2 महीने हो गए। 2 महीने सर, 2 महीनों आपने अब तक अपने किरा गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आपने कितने पात्रों को लाभ पहुंचाया है, कितने पात्रों को इस योजना का लाभ दिया है आपने? प्रधानमंत्री आवास योजना से 3 लोगों को कमरा दिलवा दिए। किन का पेमेंट पड़ने वाला? किन किन को? एक मुकेश वाल्मीकि जी, हाँ, एक पूरी है और एक चंद्रपाल गंगवार है। चंद्रपाल गंगवार, हाँ। तो सर शिशुओं के नाम से। और आपने गांव में सर क्या क्या विकास कार्य करवाए? हमने कम से कम 130 मीटर CC डलवा दी 3 मीटर से, और हमारे प्राइमरी स्कूल फर्स्ट में कार्य चल रहा है टाइल का और बाउंड्री वॉल का। सर, और भी पात्र ऐसे हैं जिनके घर बिल्कुल टूटे हुए हैं गाँव में, हमने अभी सर्वे किया है, वीडियो भी बना कर लाए हैं हम। जी जी। और बहुत से पात्र ऐसे हैं जिनका बिल्कुल छत ऐसी है कि कब क्या दुर्घटना घट जाए उन्हें खुद भी नहीं पता है और उनके साथ क्या घटना घट जाए, तो इसके संबंध में सर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके संबंध में हम मतलब मांग कर रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, जैसे जैसे ब्लॉक में टारगेट आ रहा है कमरों का, हमें भी मिल रहा है, उसी हिसाब से हम लोगों को दे रहे हैं। सर, आगे भी हमें मिलेंगे और भी पात्र लोगों को हम देखेंगे, उन्हें फिर देंगे। सर, और आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं गाँव में के अंदर? विकास कार्य सबसे पहले हमने स्वच्छता अभियान का कार्य कराया था, सबसे पहले हमने सफाई कराई थी पूरे गाँव में। जी, अब आगे जो भी होंगे वो कराने के लिए तैयार है, विकास को निकालने के लिए तैयार है, लोगों को मतलब पेंशन वगैरह इसकी भी तैयारी चल रही है, लोगों की 60 साल आया, विधवा है। सर, आपने इतने विकास कार्य कराए हैं, और भी जो प्रधान है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे लोग अच्छे से ऐसे ही विकास कार्य कराएं, लोगों को लाभ दिलवाएं और मतलब जो भी योजना आती है लोगों को, पात्र लोगों को पहुँचाएं, उनके लिए जो हक के काम है उसी में पहुँचाएं। धन्यवाद।
never miss an update.